मैं आपको एसएसबी का बड़ा इम्पोर्टेंट एक टेस्ट है, उसका नाम है लेक्चरेट। बहुत सारे लोग लेक्चरेट से घबराते हैं, खड़े होते हैं टांगे कांप जाती हैं, बोलने लगते हैं तो ब्लैकआउट हो जाता है, समझ नहीं आता क्या बोले, एक मिनट बोलते हैं और उसके बाद पता नहीं लगता क्या बोले। इसी के बारे में बात करूंगा। लेक्चरेट आपको 3 मिनट के लिए बोलना है और 3 मिनट आपको मिलेंगे तैयारी करने के। आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड में 4 टॉपिक होंगे, आपको एक चुनना है, इसके ऊपर 3 मिनट तैयारी करके 3 मिनट के लिए बोलना है। अब समस्या यह है कि बोलें क्या। सो लोग उसके बारे में, टॉपिक के बारे में ही बात करते रहते हैं कि ये है क्या। उनको शायद ये लगता है कि हमारा टेस्ट हो रहा है नॉलेज का। तो अगर टूरिज्म टॉपिक है तो फिर टूरिज्म के ऊपर बोलते रहेंगे, टूरिज्म क्या है, टूरिज्म ऐसा है, टूरिज्म वैसा है, और अपना नॉलेज दिखाते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लीडरशिप का टेस्ट है, नॉलेज का है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब हुआ कि लीडरशिप में नॉलेज नहीं चाहिए? चाहिए। आप 3 मिनट यही बोलते रहेंगे टॉपिक के बारे में, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यही गड़बड़ हो जाती है। यही कृपा अटकी हुई है। क्या मतलब? हम ये जानना चाहते हैं इस टॉपिक की मदद से, आपके इस लेक्चरेट की मदद से, कि आपके इस टॉपिक के बारे में विचार क्या है, आप सोचते कैसे हैं इसके बारे में। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी अपनी लाइफ में, तो यहां लेक्चरेट में भी आपकी सोच झलकेगी। अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं। मान लिया टूरिज्म आपने चुन लिया और आपने 3 मिनट में बता दिया कि टूरिज्म ये है, टूरिज्म वो है, टूरिज्म में इतने प्रकार होते हैं, टूरिज्म आजकल ऐसा है, यहाँ का वैसा है, वहां पे ये जगह है, इसमें ये होता है, लोग यहां से वहां जाते हैं। आपने 3 मिनट खत्म कर दिया। इससे घटिया लेक्चरेट नहीं हो सकता। इसमें सोच क्या है? ये तो आपने देखा है, आप बता रहे हैं टूरिज्म का मतलब क्या। अब एक और एग्जाम्पल है जिसमें एक लड़का टूरिज्म के बारे में अपनी सोच बताता है। वो ये बताता है कि टूरिज्म का मतलब क्या है उसके अनुसार, और फिर बताता है, ये 2-3 सेंटेंस में बता देता है कि टूरिज्म का मतलब ये है। उसके बाद वो बताता है कि टूरिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि टूरिज्म हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस टूरिज्म। It will bring employment, it will boost the economy, it will create jobs, and that is why it is very important for nation development. That is why we are discussing tourism. तो पहला क्या बोला? Tourism क्या है? दूसरा क्या बोला? Why it is important to discuss? Now the third step to my thinking is, how is the tourism today in India? The present status. अब हम बोले कि प्रेजेंट स्टेटस जो है वो अच्छा है, उसको और अच्छा करना है। अब अच्छा नहीं है तो अच्छा करना ही करना है, और अच्छा है तो और अच्छा करना है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टूरिज्म, ऐसा सोचता है लीडर। आज वो बोलता है टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन टैप्ड टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, इनफैक्ट इट इज एक्सप्लॉइटेड टू very less extent, not even 15% of the tourist potential has been exploited. So, अब इसको सबसे पहले क्या बोला? What is it? 2-3 line. दूसरा क्या बोला? Why it is important? 2-3 line. फिर क्या बोला? What is the present status? अब देखिए इसमें आपकी सोच कैसे चल रही है। Now that I want to change, let's see what we can do to tap the full potential of India's tourism and make our country more developed. So what are the challenges? That is the next point. To solve this
tourism and make it better. So there will be 4-5 challenges. So first we said what is it, then we said why it is important, then we said what is the present status, then we said let us see the challenges. Now comes the most important part of the lecture, and that is how do we solve it. So how do we solve it? Let's see the first challenge. Let's say it's infrastructure. So what are the various solutions that I suggest as an individual? So if I say for infrastructure, which has got 4-5 points, it is accommodation, transport, marketing, it is the destination and their maintenance. Har ek ke bare mein ek ek do do point. Kya kar sakte hain hum? Aapka kya original creative idea hai? Wo bataye. फिर हम बताएं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के बारे में, सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ चैलेंज. फिर उसके बारे में बताएं हम क्या नया कर सकते हैं, आपके पास क्या नया आइडिया. फिर हो सकता है थर्ड पॉइंट इज करप्शन, तो करप्शन को कैसे दूर करें, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएं, आपके पास क्या नया आइडिया. सो देर आर 5 स्टेप्स टू थिंकिंग. व्हाट इज इट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट स्टेटस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस. तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम जो है आपने सॉल्यूशन में देना, तो लगभग आधा से एक मिनट देना है पहले 4 पॉइंट्स में, और पांचवें पॉइंट में 2 मिनट करीब आपको सॉल्यूशन में देने हैं. अब सॉल्यूशन वो ही देगा जिसके पास होंगे, वही लीडरशिप है. सो इन 3 मिनट्स दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच. अब होता क्या है, आप 3 मिनट खत्म कर देते हैं व्हाट इज इट कर करके. ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे हाँ जी आजकल कैसा चल रहा है. लीडरशिप की परिभाषा समझिए, लीडरशिप का मतलब है फाइंडिंग न्यू आइडियाज टू फाइंड सॉल्यूशंस, क्रिएटिव आइडियाज, योर ओन आइडियाज व्हिच हैज नॉट बीन डन अर्लियर. अगर है तो उनको और अच्छा कैसे किया जाए, उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज. वो आपके लेक्चर में भी झलकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये बहुत अच्छी तरह से. अब देखो एक और बात बताता हूं, दुनिया में ना 50% लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है. सिर्फ 50% लोगों को पता है क्या करना है, बट उनमें से सिर्फ 5% को पता है कैसे करना है. Now that is where is the creativity. आप मुझे बताएं कैसे ठीक करोगे, कैसे ठीक करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे ठीक करोगे सिक्योरिटी को, आपके पास नया आइडिया है. That is where lies the real leadership. और हम लोग इसमें ना ढूंढते रहते हैं शॉर्टकट, कैसे करें, कैसे खड़े हुए ऐसे आंखों में आंखें डाल के रखें और आई कांटेक्ट करें और हाथ पीछे रखें आगे रखें. इट डजंट मैटर, यू गिव मी अ न्यू आइडिया, आई विल सेलेक्ट यू, बिकॉज़ न्यू आइडिया, अ क्रिएटिव आइडिया टू फाइंड सॉल्यूशन इज द की, द सोल ऑफ लीडरशिप. इसलिए लेक्चर को तैयार करने के लिए, लेक्चर तो बाद में तैयार होगा, पहले अपने आप को तैयार करिए. हर जगह सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए, नए तरीके से काम करिए, और जब भी किसी टॉपिक को समझें, जब भी किसी टॉपिक के बारे में बात करें, इन्हें इसी तरह से सोचें, अपनी लाइफ में इसको अपना हिस्सा बना लें. देखिए न्यू आइडियाज आपके अंदर आएंगे, और लेक्चर खास करके तो प्रैक्टिस कर. आई थिंक दिस शुड सफाइस. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एसएसबी, एंड यू विल डू वेल इफ यू approach it like this. Thank you.